हमने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते रहें और आगे भी सर का मार्गदर्शन बना रहेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे शामगढ़ क्षेत्र में। टारगेट का नाम कर चुका हूँ मैं, 55 स्टूडेंट बैठते हैं अभी शामगढ़ में मेरे पास और 25 स्टूडेंट हथुनिया में, जबकि हथुनिया में एक महीना भी नहीं हुआ है। तो सारा कुछ सर का श्रेय जाता है, नाम ही चलता है टारगेट, जहाँ नाम है आ जाते दौड़ते हो, बोलने की जरूरत नहीं था। तो नाम से चलती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं क्या है टारगेट, टारगेट दिखती है। मैंने शुरुआत करी थी, अकेला था, उसके बाद नितिन सर मेरे से जुड़े, अशोक सर जुड़े, हमारे जीवन सर जुड़े और भी अन्य टीचर्स हमसे जुड़े हैं और उन्होंने भी अच्छा करके दिखाया है। तो आप लोग भी आगे बढ़े, मैं ये नहीं कहता कि आप शिक्षक बने, पर अपने क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं उनको आगे लाने का प्रयास करें, क्योंकि आपको पता है कि आप मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। एक बार अगर आप असफल होते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लगातार आप आगे बढ़े। जैसे कि अशोक सर ने भी बताया है कि उन्होंने कितनी एग्जाम्स क्वालिफाइड करी है, कहीं ना कहीं रुके हैं पर फिर से प्रयासरत है लगातार। जब मुझे बिलीव हो गया नितिन सर एक सेंटर संभाल सकते हैं, तो फिर मैंने शामगढ़ सेंटर के लिए अप्लाई किया, शामगढ़ सेंटर। और कहते हैं ना कि मैंने वहां पे काफी बच्चों से चर्चा करी और चर्चा करने के बाद में मैंने एक निष्कर्ष निकाला, सारे बच्चे ये बोलते हैं ठीक है सर हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ठीक है, कोई तो ऐसा मिले जो मुझे मना करे। एक विद्यार्थी ने कहा सर आपकी कोचिंग वहां नहीं चल पाएगी, बस यही चीज मुझे चाहिए थी। और उसने जैसे ही कहा और मैंने उसी दिन से सोच लिया अब चला के दिखाएंगे। देखिए जहां कोई नहीं कर सकता वहां टारगेट ही कर सकता है और करके भी दिखाया। और उसके बाद शामगढ़ सेंटर के बाद हमने सोचा कि सुमात्रा सेंटर चले, सुमात्रा सेंटर पे भी अच्छी प्रोग्रेस है और वहां से भी अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं। आगे हमारा प्रयास है कि मंदसौर जिले की तरफ हम बढ़े और मंदसौर जिले में ब्लैक सेंटर हो, तो निश्चित रूप से हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं। आप सभी लोगों का सहयोग और साथ चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ आप ही में से कोई होगा, क्योंकि हर सेंटर पर मैं जा नहीं सकता, हर सेंटर पर मैं पढ़ा नहीं सकता, आप ही लोगों में से आगे बढ़ना है, आप ही लोगों को आगे बढ़ाना है। तो वही चीजें, आप लोगों का सहयोग और विश्वास लगातार बना रहे, यही मैं आप लोगों से आशा रखता हूं। ये पप्पा से कैसे भी निकल सकता है। अभी सांबर सेंटर को आगे बढ़ाना में एक और नरेंद्र सिंह सर जोरदार तालियां, बिल्कुल बीच-बीच में अशोक सर को कंपनी प्रदान करते रहते हैं हमारे नरेंद्र सर, बैक सपोर्ट है क्योंकि अशोक सर पीछे गिरे ना। हमारे बीच शेलू जो काफी पुराने स्टूडेंट रहे और अभी आंगनबाड़ी में महिला बाल विकास में और काफी पुराने स्टूडेंट है, नरसिंह मेहर जो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एक दुकान लगा था उसके साथ के स्टूडेंट है और काफी अच्छी तैयारी कर रहे थे, पर धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई तो उसके बाद इनको स्टॉप करके वापिस कुछ ना कुछ काम करना पड़ा, नहीं तो बहुत ही बढ़िया तैयारी कर रहे थे। और उस समय अगर ये थोड़ा सा और वर्क करते 6 महीने वो निकाल लेते तो आराम से जॉब होती, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी महिला बाल विकास में और इनका भी हम सम्मान करते हैं। जीवन जीने का एक सबसे बढ़िया तरीका है अपने से बड़े वाले को देख कर जियो, आगे बढ़ो और अपने से नीचे वाले को देख कर जियो कि यार देखो वो कितनी कम सुविधाओं के साथ भी जी रहा है। और अपन देखो इतनी सुविधा होने के बावजूद भी ये बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी टाइम पे नहीं मिल पाती है। आप लोगों को खाना पीना रहना सब कुछ मिल रहा है उसके बावजूद भी आप कहते हो सर
हमारी ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आपको ऐसे माँ बाप दिए जो दो वक्त की रोटी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की आप संतान है और दुनिया का कोई दूसरा कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, वो आपके माँ बाप है और उनके जो एहसान है उनका एहसानों का बदला आप तो चुका नहीं सकते, पर उनको एक खुशी जरूर दे सकते हैं आप अपनी जॉब लगाकर, ताकि वो गर्व से ये कह पाए कि मेरा बेटा इस गवर्नमेंट जॉब में है। वो है क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं। देखिए तो आप थोड़ा सा उस पर गंभीरता से विचार करें और सोचें कि हमसे जो 5 साल बड़े हैं और हमारे गांव में हैं और जो बेरोजगार है उनकी हालत क्या है, और कोई नौकरी में है तो उनकी हालत क्या है। सभी का मंथन करके आप चलें, क्योंकि आगे जाके जीवन आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भी अगर बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो गए, अभी तो खड़े हैं पर अगर लगातार खड़े रहे तो फिर